गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक। आज आपके साथ शेयर करूंगा मेरी फेवरेट रेसिपी ब्रेकफास्ट में जो मैं खाता हूं, और ये प्रोटीन पावर पैक्ड ब्रेकफास्ट है। इफ़ यू आर अ लिफ्टर, जिम गोअर, बॉडी बिल्डर, ये ब्रेकफास्ट आपके डाइट में होना ही चाहिए। सो क्या है ये, देखते हैं। वी विल बी बैक। गाइज वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी। मेरा नाम है गौरव। आज बहुत टाइम बात कर रहे हैं एक डाइट कुकिंग वीडियो। ये मेरा पर्सनल ब्रेकफास्ट है, इट इज़ अ पावर पैक ब्रेकफास्ट। अगर आपको मास गेन करना है, प्रोटॉन करना है, कट करना है, कुछ भी करना है, ये ब्रेकफास्ट अनचेंज है। मैं पिछले 6-7-8 पता नहीं कितने महीने सालों से यही ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ। और मेरे को जो प्रॉब्लम फेस होती थी शुरू में कि यार उबले अंडे नहीं खा सकते, बॉयल्ड नहीं खा सकते या ऑमलेट नहीं खा सकते। सो प्लीज़ ये रेसिपी ध्यान से देखिए, इतनी टेस्टी अमेजिंग रेसिपी है। एग्स, आपको लगे यार एग्स, और वो भी इतने टेस्टी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस एक मल्टीग्रेन ब्रेड लिया मैंने, नॉर्मल मल्टीग्रेन ब्रेड है ये। इसको मैं सेक लूँगा बिकॉज ये मैं यूज़ करूँगा जब मेरे एग्स बन जाएंगे उसके साथ। 5 अंडे ले रहा हूँ मैं। सो इसमें 5 अंडे, 3 येलो मैं निकाल दूंगा, 2 येलो रहेंगे, और ये मेरे कुछ यंत्र हैं जिसको मैं यूज़ करूँगा, और थोड़ा सा मिल्क। सो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सो ये हमारे एग येलोज। अब मैं क्या करूँगा गाइज, अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो भी येलो आप निकाल रहे हैं वो आपने फेंकने नहीं, उसको आपने क्या करना है, सारे येलो अंदर और फैट यहाँ पे। सो गाइज ब्रेड सिक चुकी है हमारी। सो ब्रेड को मैं अलग कर दूंगा। ये पैन में अब हमने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाना है। ये बेसिकली एवोकाडो ऑयल यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ये ब्रश से क्या बहुत ही कम ऑयल यूज़ होता है। ये आपने लगा दिया ऑयल। अंडे फेंटते वक्त जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करें। मिल्क से क्या है, आपको थोड़ी क्रीमीनेस आएगी, और वो क्रीमीनेस ही आपको फ्लेवर देगी। जो आप अगर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, फाइन डाइनिंग में, अगर आप स्क्रैम्बल्ड एग ऑर्डर करेंगे तो जो क्रीमीनेस रहती है वो क्रीम ऐड करते हैं, बट हम क्रीम नहीं ऐड कर रहे बिकॉज भाई हमारा फिटनेस चैनल है तो हम नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, फुल फैट भी करेंगे तो चलेगा, थोड़ा बहुत खा सकते हो। और उसके बाद आपको इतना अच्छे से फेंटना है ताकि उसमें झाग बन जाए, और जैसी झाग बन जाए उसके बाद आपने डायरेक्ट डालना है इसको इसमें। और गाइस इसमें मेन फंडा क्या है, आपको इसको हमेशा धीमी आंच में पकाना है, आप आंच तेज नहीं कर सकते, और इसको आपने हिलाते रहना है। कभी भी ऐसा मत होने दीजिए कि पूरा चिपक जाएगा। सो गाइस हमारा तैयार हो गया स्क्रैम्बल्ड एग्स। मेन चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी है, मिल्क ऐड करना है, इसको अच्छे से फेंटना है ताकि झाग हो जाए। जब आप इसको गैस पे डालें तो सिम आंच पे डालें, और कभी भी इसको ऐसा नहीं हो कि नीचे चिपक जाए पकने दें, आपको कॉन्स्टेंटली चलाते रहना है, तो इसमें एक फ्लफी नेचर आएगा और थोड़ा सा ये खाने में बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत ही मस्त अमेजिंग लगेगा। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा मैंने इसमें नमक मिर्च कुछ नहीं डाला। जब ये बन जाए उसके बाद इसमें हल्का सा सॉल्ट, पेपर या लाल मिर्च जा सकते हैं। क्यों, अगर आप नमक अंडे में पहले डाल देंगे तो जो एग वाइट्स का वाटर होता है वो पानी छोड़ देगा वो, और ये पानी पानी हो जाएगा। देखिए अभी मेरे अंडों में बिल्कुल पानी नहीं छूटा है, और पूरे सॉफ्ट और रनी बोलते हैं इसको, रनी और मीडियम डन एग्स बने हैं ये। और गाइस जब ये बना रहे हो तो आपको लगेगा नहीं थोड़ा और पक जाने, थोड़ा और पक जाने दो, आपको लगे कि पकने वाला है, बस 5-10 सेकेंड पहले ही थोड़ा इसको आँच बंद कर देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर भी बर्तन गर्म रहता है तो उसमें पूरा पक जाएगा। गाइस इसको अब चखने की बारी आ गई है। इतना बकवास बना है क्या बताऊं गाइस, बहुत अच्छा बना है। ऑब्वियसली अपनी डिश को सब लोग अच्छा ही बोलते हैं तो मैं भी अच्छा ही बोलूंगा,
बट ये सेम अच्छा है, ये सूखा नहीं है। तो अगर आपको जैसे बॉडी बिल्डर हैं तो भाई 10-15 अंडे तो नॉर्मल है हम जैसे लोगों के लिए, तो अगर आपको इतने सारे अंडे खाने हैं तो ये तरीका बेस्ट है। मैं सुबह रोज़ ये खाता हूँ, इतना खाता हूँ, मैंने अपनी वाइफ को भी अंडा डाल दिया, उसको भी अभी पसंद है, कुछ और नहीं खाते। थोड़ा रनी होता है, थोड़ा क्रीमी होता है, आराम से गले से उतर जाएगा और मस्त इन्जॉय करिए। लल्लन टॉप टेस्ट है एकदम। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।